ओह यार, सीजन टू भी काफी ज्यादा धमाकेदार था। मैं बात कर रहा हूँ विलेज गर्ल 10 का। जी हाँ, जिसका फर्स्ट सीजन आया था जो मैंने कम्प्लीटली देखा था नेटफ्लिक्स के ऊपर, और ये सीजन टू आ चुका है जो आपको हिंदी में देखने को मिलने वाला है नेटफ्लिक्स पे 8 एपिसोडों के साथ। हर एक एपिसोड 1 घंटे का होने वाला है। वैसे मैंने इस पर हाथ लगा लिया है तो हटा लेता हूँ, लेकिन आपको ये मैं बता देता हूँ कि ये सीजन काफी ज्यादा जबरदस्त था। आप इसे देखें ना देखें, क्या आपको अपना जो टाइम है वो खर्च करना चाहिए इस सीजन पे, तो बात करेंगे उसी की क्विक से छोटे से रिव्यू में। तो मैं रोहित राज हाजिर हूँ आपके लिए इसी का रिव्यू लेके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इस सीजन को यानी कि सीजन टू को देखने के लिए आपको सीजन वन देखना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहानी वहीं से स्टार्ट हुई है। जी हाँ दोस्तों, वहां से स्टार्ट हुई है, और कहानी का जो आपका इंटरेस्ट होता है ना वो सीजन वन से ही बनता है। सेकंड में जाके आप काफी चीजें ना भूल जाओगे और आपको लगेगा ये करेक्टर किससे कनेक्ट कर रहा है, किससे कनेक्ट कर रहा है, तो वो सारी चीजें काफी ज्यादा बेहतरीन नहीं होती और आपका ना एक एक्सपीरियंस खो देती है एक अच्छी सीरीज को देखने का। उसके बाद आप कहते हो सीरीज ज्यादा खास नहीं थी, इसलिए सीजन वन जरूर देख लें। जी हाँ दोस्तों, आप बताओ सीजन टू के अंदर आपको कुछ नए करेक्टर, नए फैमिली देखने को मिलने वाली है, और साथ ही साथ इस सीरीज को जो 80s का लुक दिया है वो काफी ज्यादा जबरदस्त था। बात करूं कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट अच्छा खासा है, प्रेजेंटिंग ठीक ठाक थी, और जो कहानी को आगे बढ़ाया गया वो बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ाया गया है। जो कहानी के अंदर टर्न ट्विस्ट दिए गए वो लाजवाब लगे मुझे, और कहानी के अंदर नए करेक्टर जो इंट्रोड्यूस कराए गए वो भी अच्छे खासे थे। आप पुराने करेक्टरों को भूलने की कोशिश कर जाओगे इस वाले एपिसोड में, क्यों कर जाओगे, क्योंकि भाई ये सीजन है नए करेक्टरों के साथ नई कहानी लेके आया है, तो आपको उसकी याद नहीं आने वाली इतनी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करूंगा इसके अंदर जो मुझे सबसे बेहतरीन चीज लगी वो लगी जो इसकी सिनेमोग्राफी है ना, जो 80 का दशक दिखाया जाता है उसके अंदर भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्टर ने काम किया है। जो कैमरा एंगल, जो सिनेमोग्राफी पर काम किया गया, एडिटिंग की गई है, वो लाजवाब थी। यानी कि 80 का दशक काफी अच्छी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, यानी कि इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी खासी थी। और वही बात करूं स्क्रीन प्ले की, तो स्क्रीन प्ले अच्छा है, एंगेजिंग है, आपको बांध लेगा। आपने सीजन देखा तो आप जबरदस्त बनने ही वाले हो। अगर नहीं देखा तो हाँ, मैं कह सकता हूं कि पहले उसे जाके देखो, उसके बाद इसका स्क्रीन प्ले आपको काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा और पसंद आने वाला है दोस्तों। तो इसका जो स्क्रीन प्ले का बैकग्राउंड स्कोर है वो भी अच्छा खासा निकल गया। अब बात करूं एक्टरों की परफॉर्मेंस, तो वो लाजवाब थी, काफी ज्यादा लाजवाब थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हर किसी का काम बेहतरीन मुझे तो लगा। अब आपका लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, हम इसे देखने देखे। सबसे पहले बता दूं ये 80+ है, जिसके अंदर आपको न्यूड सेक्सी सीन देखने को मिल जाएंगे, तो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल भी मत देखिए। अगर बच्चे तो मां बाप के साथ बिल्कुल भी मत देखिएगा दोस्तों। लास्ट आपका यही क्वेश्चन है, हम इसे देखने देखें। अगर आप पीरियड रोमांटिक ड्रामा देखना पसंद करते हो तो ये सीरीज काफी बेहतरीन होने वाली है। हाँ, सीरीज में थोड़ी सी आपको प्रेडिक्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगी, यानी कि आप समझ सकते हो आगे कहानी को, आप प्रेडिक्ट कर पाओगे और कहानी वही होती है। फिर भी कहानी आपको इंप्रेस करने में कामयाब रही है, आपको एंजॉय कराने में भी कामयाब रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए जो मैं रेटिंग देना चाहूँगा वो देना चाहूँगा 7/10। ये सीरीज आपने इस पहले देखी, आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।